क्या आपको पता है डलहौजी यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस धरती पर 80 से 90 लाख जीवों की प्रजातियां हैं, जिनमें से हम केवल 10% केवल 10% जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं और 90% के बारे में सिर्फ रिसर्च चल रही है, जिनके बारे में अब तक कोई खास जानकारी नहीं है। और जिस गति से आज हम नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं, उस हिसाब से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के बारे में जानकारी जुटाने में अभी और हजार वर्ष लगेंगे। अमेजिंग इजंट इट। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग जीवों के बारे में। ब्रुकेशिया माइक्रा कैमेलियन, अफ्रीकी द्वीप मेडागास्कर। इस विशाल जंगल में न जाने कितने ही जीव जंतु फल फूल रहे हैं, जिनमें से कई जीवों के बारे में हम खोज कर पाए हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में आज तक न देखा गया और न सुना गया। ऐसा ही एक जीव 2012 में पहली बार देखा गया, जिसका नाम रखा गया ब्रुकेशिया माइक्रा कैमेलियन। ये गिरगिट की प्रजाति का एक गिरगिट है, जो इसकी सभी प्रजातियों में सबसे छोटा गिरगिट है। ब्रुकेशिया माइक्रा इतने छोटे होते हैं कि चीटे के बराबर दिखते हैं, मगर ऐसा अनुमान है कि बड़े जंगलों में इससे भी छोटे रेप्टाइल्स पाए जा सकते हैं। इस प्रजाति के औसत वयस्क गिरगिट की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर यानी 1 इंच से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसका वजन सिर्फ 0.02 ग्राम होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन जीवों की लंबाई कम होने का कारण उनके रहने वाली जगहों पर उपलब्ध संसाधनों का सीमित होना है। बम्बलबी बैट। वैज्ञानिक मानते हैं चमगादड़ों की उत्पत्ति लगभग 6.5 से 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स के युग में हुई थी, और जिन चमगादड़ों के बारे में अब हमें पता है वह करीब 3.5 करोड़ साल पहले के हैं। और तब से लेकर आज तक इन जीव ने समय के साथ साथ अपने अंदर कई बदलाव किए, जिससे इनकी कई अद्भुत प्रजातियां बन गई, और इन्हीं प्रजातियों में से एक है बम्बलबी बैट्स। यह दुनिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा चमगादड़ है। यह 1970 के दशक में पहली बार खोजा गया था। इसका वजन करीब 7 ग्राम होता है और इसकी लंबाई सिर्फ 1 इंच होती है। इसकी एक पूंछ होती है, लेकिन वह इतनी छोटी होती है जिसकी वजह से लोग इसे जल्दी देख नहीं पाते। ड्वार्फ लैटर्नशार्क। जैसे ही हम किसी शार्क का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक खतरनाक दैत्यकार मछली की तस्वीर आ जाती है, जो पल भर में अपने शिकार का सफाया कर देती है। लेकिन दोस्तों, शार्क की सभी प्रजातियां ऐसी नहीं है। कुछ इतनी छोटी होती है कि जिसे देख कर आप भी हैरान हो जाओगे। इस शार्क का नाम है ड्वार्फ लैटर्नशार्क। इस मछली को सबसे पहले सन 1985 में वैज्ञानिक जॉर्ज बर्गस द्वारा कोलंबिया के तट पर देखा गया था। ये मायावी मछली उथले पानी में तैरते समय चमकने लगती है, जिसकी वजह से पानी के नीचे से देखने पर सूरज की रोशनी में इसकी चमक में ये गायब हो जाती है। जहां मादा ड्वार्फ लैटर्नशार्क की लंबाई 8 इंच होती है, वहीं नर ड्वार्फ लैटर्नशार्क की लंबाई 7 इंच तक पाई गई है। यह कोलंबियन और वेनेजुएला के समुद्री इलाकों में 900 से 1200 फीट की गहराई में पाई जाती है। इसकी बॉडी डार्क ब्राउन कलर की होती है, और साथ ही इनके शरीर पर एक काली मोटी लाइन और धब्बे भी देखने को मिलते हैं, जो अंधेरे में चमकते हैं। पिग्मी मार्मोसेट। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी अमेज़न बेसिन में पाया जाने वाला यह बंदर एक उंगली से भी छोटा होता है। यह बंदर जन्म के समय हमारी एक उंगली से भी काफी छोटा होता है। अब तक इनकी अधिकतम लंबाई 7 इंच तक मापी गई है। 15 सेंटीमीटर ऊंचे और 100 ग्राम वजनी इस पिग्मी की पूंछ 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनके पंजे इतने पैने होते हैं कि आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इनकी पूंछ इनको दो पेड़ों और टहनियों के बीच कूदने में संतुलन का काम करती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने सर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिससे ये अपने ऊपर होने वाले शिकारी जानवर के हमले से बच जाते हैं। ये बंदर दिखने में बहुत ही प्यारे और सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन ये काफी गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं। गुस्सा इतना होता है कि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि इस प्रजाति के बंदर ने अपने मालिक को ही काट लिया है। पाइडोफ्रेन एमेनोसिस। दुनिया भर में मेंढकों की कई प्रजातियां हैं, लेकिन अब तक ज्ञात उन सभी प्रजातियों में सबसे छोटा मेंढक की प्रजाति पपुआ न्यू गिनिया में पाई गई है। शोध करने वालों का कहना है कि इतने छोटे आकार के मेंढकों को देखना उनके लिए बेहद मुश्किल था। ये मेंढक इतने छोटे हैं कि इंसान के नाखून पर बैठ जाएं। मतलब आकार में ये एक हाउस फ्लाई यानी मक्खी के बराबर है। ये मेंढक यूरोप और अफ्रीका में पाए गए अब तक के मेंढकों से सबसे छोटे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दुनिया का सबसे छोटा वर्टिब्रेट है। मतलब यह दुनिया का सबसे छोटा हड्डी वाला जानवर है।
दोस्तों हर दिन किसी न किसी नए प्रजाति के जीव जंतु की खोज हो रही है। ऐसे में हो सकता है पृथ्वी पर मौजूद घने जंगलों में अभी कई ऐसे जीव जंतु मौजूद हों जिन्हें फ्यूचर में खोज कर हम फिर कोई नया रिकॉर्ड दर्ज करें, क्योंकि बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी खोज करना अभी बाकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और यदि आप विचित्र फॉर यू चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।